मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर राधाकृष्ण अम्मा जी के मंदिर में स्वामी रामानुजाचार्य की मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भारत के वेदों की परंपरा को बताया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या काफी महत्वपूर्ण है। वे अयोध्या के सामाजिक सांस्कृतिक वैभव को लेकर संजीदा है। मुख्यमंत्री योगी 19 दिन में तीसरी बार अयोध्या पहुंचे हैं। 23 सितंबर को भी मुख्यमंत्री योगी हवाई सर्वेक्षण और दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अचानक अयोध्या पहुंचे थे। राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है, पूज्य संतों ने साबित किया। पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार्य सेवक थे, वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम सब देख रहे हैं। और यहां पर आज आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस विशिष्ट तिथि पर आप सबको इस भव्य और दिव्य यज्ञ के आयोजन के साथ, राम मंत्रार्थ महायज्ञ के साथ साथ कथा व्यास के रूप में पराशर जी के इस विमुख से पावन कथा के श्रवण का भी आनंद प्राप्त हो रहा है। और भी अयोध्या धाम में अगले 1.5-2 वर्ष तक अयोध्या में इतने आध्यात्मिक कार्यक्रम होने चाहिए कि अयोध्या का प्रकाश देश और दुनिया के कोने कोने में आध्यात्मिक सांस्कृतिक यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी से हर आश्रम में अखंड रामायण का पाठ हो, संकीर्तन के कार्यक्रम हो, कथा के भव्य आयोजन होते हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड में अयोध्या का संदेश जाना है। केवल इस धराधाम पर ही नहीं, केवल इस लोक में ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड तक अयोध्या का संदेश जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरी परंपरा के प्रति नमन करते हुए इस पीठ से जुड़े हुए स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को, उनके सभी शुभचिंतकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।